नजम सेठी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समात। अदालत ने इमरान खान के वकला को जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए समात मुलतवी कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। अरशद बताएगा मजीद अदालत ने क्या कहा। जी बिल्कुल, सेशन अदालत में चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के जो है वो हद के इज्जत की दरख्वास्त पर केस की समाअत हुई है। चेयरमैन नजम सेठी ने जो है वो इमरान खान ने के खिलाफ जो है वो हद के इज्जत का दावा दायर किया था, जिसमें ये कहा था कि इमरान खान ने जो है वो रिश्वत के झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। और इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजार नजम सेठी की जानब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने जो है वो PSL के अंदर भी जो है वो रिश्वत का बाजार सरगर्म करने की वजह से जो है वो बकायदा अपने अपने जलसों के अंदर जो है वो इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है वो मेरी तोहीन की है, जिसके ऊपर जो है वो दिल आज़ारी हुई है और पूरी दुनिया में मेरी शोहरत मुतासर हुई है। तो लिहाजा अदालत से दरख्वास्त गुजार नजम सेठी ने इस्तदा की है कि अदालत इमरान खान को 10 करोड़ रुपये हर्जाने का जो है वो अदा करने के अहकाम जारी करे। ताहम अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान के वकला आज अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए केस की समाअत 1 सितंबर तक के लिए मुलतवी करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला को आखिरी बहस का मौका देते हुए जो है वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। अरशद अली तफसीलात से आगाह करें।